नमस्कार साथियों, और स्वागत है फिर दोबारा से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल घर के छत पर मुर्गी पालन पर। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले भी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर दें ताकि जो भी हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो चलिए बढ़ जाते हैं आज की वीडियो की ओर, और सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने बर्ड्स के विषय में। तो सबसे पहली अपडेट तो यह है कि हमने जो अपने मुर्गे थे, क्योंकि चार मुर्गे हो रहे थे और उसके अलावा हमारे पास चार ही मुर्गियां थी, तो उसमें से मैंने तीन मुर्गे और दो मुर्गी जो है वो सेल आउट कर दिए। तो फिलहाल के लिए केवल अभी हमने एक ही मुर्गा रखा हुआ है जो कि आप देख सकते हो, ये वाला हमने रोका है। उसके अलावा तीन मुर्गे हमने हटा दिए, और दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। और क्या दिक्कत हो रही थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि दो मुर्गी हमने अपने पास रखी है और एक मुर्गा, सो मुर्गा ये वाला है, बाकी मुर्गी एक जिसकी ग्रोथ कम थी वो वाली मुर्गी अभी हमने अपने पास रोक रखी है। और उसके अलावा एक मुर्गी अगर आप देखोगे सो ये है, और कंडीशन आप देख सकते हो कितनी बुरी हो रखी है। सो खैर इसकी केयर करनी पड़ेगी हमें, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा, अगर आप ऐसे भी देख सकते हो। सो प्रॉब्लम यही हो रही थी कि मुर्गी कम थी हमारे पास, यानी तीन मुर्गी थी, चार मुर्गे थे। सो इनकेस अगर कोई भी मुर्गे अगर नीचे उतरती थी तो बाकी जो चारों मुर्गे हैं वो क्रॉसिंग के लिए लड़ते थे, आपस में झगड़ते थे, मतलब एक साथ ही क्रॉसिंग करने की कोशिश करते थे। सो उसके वजह से आप देख सकते हो भी कि कितनी बुरी कंडीशन जो है एक मुर्गे की हमारी हो रखी है। सो वैसे ये वाली हमने सेल आउट करनी थी, लेकिन ये जिनको हमने बेची तो उन्होंने कहा मना कर दिया इसको लेने के लिए। सो कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सो ये देख सकते हो भाई, मतलब पूरी तरह से जो खाल है इसकी उधड़ चुकी है, यहाँ तक के आप देख सकते हो क्या कंडीशन हो रखी है। सो इतनी बुरी कंडीशन हो रखी है, सो देखते हैं कि इसको भी हम रखेंगे या फिर इसको हम कटिंग में ले लेंगे, क्योंकि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वैसे तो मैं अवॉइड करूँगा इसको रखने के लिए, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, अगर रखने की ज़रूरत पड़ी तो इसको रख भी सकते हैं हम लोग। सो अभी मुर्गी की कंडीशन तो आप लोगों ने देख ली, और वो कंडीशन इसी वजह से भी क्योंकि जो मुर्गा मुर्गी का जो रेशियो होना चाहिए था वो नहीं था। और फिर दूसरी दिक्कत ये थी क्योंकि ये अपने असील मिक्स में थे, सो मैं इनको वैसे तो खैर सेल आउट करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरी ऐसी हो गई, मैंने कहा जिसके पहले कि और ज़्यादा हमें नुकसान हो तो उससे पहले कुछ ना कुछ तो एक्शन हमें ज़रूर लेना था। सो इस वजह से हमने एक मुर्गा अपने पास होल्ड कर लिया है, बाकी उसके अलावा तीन मुर्गे जो थे वो हमने सेल आउट कर दिए हैं। और क्योंकि बल्क में ही गए हैं, क्योंकि पाँच एक साथ लेके गए हैं, सो फिर वो कम रेट पर हमें देने पड़े। सो अराउंड वो हमारा हो रहा था 3-3.5 हज़ार के आसपास, पांच जो हमारे बर्ड्स हैं वो गए हैं, तीन मुर्गे और साथ में दो मुर्गियां। तो मुर्गियां तो खैर एग्स देने वाली थी, मतलब दे ही रही थी वो, लेकिन अभी स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि मुर्गे थे ज़्यादा, मुर्गी कम हो रही थी, तो इस वजह से एग्स भी उन्होंने रोके हुए थे। और जो फेरी वाले आते हैं सो उनको हमने सेल आउट करे हैं, और उनकी जगह हमने उनसे लिए हैं ये चिक्स, आप देख सकते हो, जो कि लगभग महीने के हैं। सो खैर 19 चिक्स ही उनके पास थे, वैसे तो खैर मैंने ज़्यादा की डिमांड करी थी उनसे, मैंने क्योंकि वो कह रहे थे कैश में तो नहीं ले पाएंगे, तो मैंने कहा चलो क्योंकि ये चिक्स डालने का टाइम भी सही होता है ये वाला, तो इस वजह से फिर हमने चिक्स ले लिया उनसे। सो फिलहाल उनके पास खैर 19 चिक्स थे, मैंने 25 की उनसे डिमांड करी थी कि अगर कैश में नहीं करो तो कम से कम 25 चिक्स हमें चाहिए, क्योंकि इनका भी जो रेट है सो वो लगा रहे थे इसको 400 रुपये जोड़े के हिसाब से वो लगा रहे थे। सो अभी आप देख सकते हो कि मतलब थोड़े से घबराए हुए हैं, और दिक्कत यही हो रही है क्योंकि अभी ये बर्ड्स खैर छोटे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले इनको यहाँ पे हमने शिफ्ट करा है, और बाकी जो दूसरे हमारे मुर्गे हैं, खैर ये मुर्गा तो अभी खैर इनको कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन जो छोटी वाली मुर्गी है सो वो बीच बीच में इनको काटने के लिए दौड़ रही है। सो कुछ चिक्स हमारे इस कोने में जमा हो रखे हैं, और कुछ चिक्स जो हैं वो इधर जमा हो रखे हैं। सो ये टोटल 19 चिक्स हमने लिए हैं, सो होपफुली नेक्स्ट विंटर्स तक के ये भी तैयार हो जाएंगे एग्स के लिए। सो कहीं ना कहीं मतलब एडजस्ट अपना हो ही जाना है ये। उसके अलावा अगर बात करें तो जो हमारे असील के चिक्स हैं सो वो आप देख सकते हो कि दो इसमें नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा फिर एक जो इनक्यूबेटर में चिक निकला था वो भी ठीक ठाक है, सो वो इधर आपको नज़र आ रहा है। उसके अलावा जो हमारी ब्लैक असील मुर्गी है वो आप देख सकते हो, वो भी इधर बैठी हुई अपने तीनों बच्चों को लेकर के। सो भी खैर इसके तीनों चिक्स अगर आप देखोगे कोने में, पता नहीं आपको ठीक से नज़र आ नहीं रहे, सो खैर कोने में लेकर बैठी हुई है इनको, तो खैर इजीली घूम रहे फिर रहे हैं, बाकी दाना पानी सब कुछ प्रॉपर लगा हुआ है। सो आज की वीडियो में थोड़ा सा यही अपडेट देना था कि जो बड़े हमारे बर्ड्स थे उनको हमें हटाना पड़ा, और रीज़न आपने देख ही लिया क्या रीज़न है ना, तो मैं नहीं चाहता था कि ऐसा और ज़्यादा नुकसान हो, सो इस वजह से खैर हमें थोड़े लॉस में ही, लेकिन ये डील हमें करनी पड़ी।
वैसे हमारा प्लान था कि अराउंड जो ये वाले हमारे मुर्गे हैं, क्योंकि असील मिक्स में है, तो हमारा प्लान था कि आराम से 1500-2000 का एक चिक मतलब बर्ड जो है वो हम सेल आउट करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन अब मजबूरी ऐसी हो गई थी तो उस वजह से फिर हमें उनको सेल आउट करना पड़ा। हालांकि वाइफ मेरी मना कर रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, तो धीरे धीरे करके हम इनकी केयर करेंगे। और जो छोटे चिक्स हैं तो जैसे जैसे ये बढ़ेंगे फिर सर्दियों तक के हमारे पास एक अच्छा स्टॉक रेडी हो जाएगा, क्योंकि 19 ये हो गए, 3 चिक हमारे इसमें हैं और 3 चिक हमारे असील के हैं। सो वैसे तो खैर अपना पूरा प्लान था कि इवन ये वाले जो हमारा रूस्टर है यानी मुर्गा है इसको भी हटाने के लिए हम लोग सोच रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद चिक्स इतने नहीं थे, सो इस वजह से फिर हमने कहा चलो इनको खैर होल्ड में रख लेते हैं, बाकी इस वाले को हम देखेंगे, अगर कैश में अगर सेल आउट हो जाता है सो हम इसको कैश में सेल आउट कर देंगे। सो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरे को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि चिक्स हैं तो फिर अभी ये काटने के लिए दौड़ रही है आप देख सकते हो, सो थोड़ा सा इसका भी हमें केयर करना पड़ेगा। सो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड कर लेते हैं और साथ ही आज की हमारी वीडियो देखने के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।